शिवपुरी के नरवर में आधार कार्ड सेंटर चलाने वाले संचालिका ने आज शिकायत करते हुए बताया कि वह आधार कार्ड सेंटर का संचालन करती है और उसके क्षेत्र के कुछ पार्षदपति आए दिन उसे धमकी देते हैं और अवैध पैसों की मांग भी करते हैं। जानकारी के अनुसार करिश्मा कोली पुत्र रामजी लाल कोली निवासी वार्ड क्रमांक 4 नरवर ने बताया कि वह अपने क्षेत्र में आधार कार्ड सेंटर का संचालन करती है। वहीं क्षेत्र के कुछ पार्षदपति विजेंद्र गुर्जर, मानवेंद्र सोलंकी, शंकरलाल रजक जो कि पार्षदपति है वह उसके साथ अभद्र व्यवहार करते हैं और गाली गलौज करते हैं। करिश्मा ने बताया कि पार्षदपति आए दिन परेशान करते हैं, आधार सेंटर संचालित करना महंगा पड़ रहा है। वहीं करिश्मा का कहना है कि वह कहते हैं कि जिन लोगों को हम भेजे उनके पैसे नहीं लेना, वह हमारे वोटर्स है और नगर परिषद नरवर अब 5 वर्षों के लिए हमारी है और कमीशन के पैसे की भी मांग करते हैं। करिश्मा ने आज कलेक्टर में जनसुनवाई में गुहार लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। मेरा नाम करिश्मा कोली है, मैं नरवर से आई हूँ। क्या समस्या लेके आई जनसुनवाई? आधार कार्ड की समस्या लेके आई हूँ। वहाँ के जो पार्षद पति हैं रोज आते हैं, उस एक टाइम पे जब ऑफिस में कोई नहीं था, मैं अकेली थी उस टाइम पे, तो उन्होंने आके मुझसे चार्जेस पूछे। मैंने उनको पूरा चार्जेस बताया कि हम फ्री भी बनाते हैं बच्चों का नया एनरोलमेंट और जिसका जिसकी जो फीस होती है वो लेते हैं, 50 रुपए का डेमोग्राफिक करते हैं, सब बताया उनको। तो वो मतलब अपने लोगों को भेजकर उन लोगों से शिकायतें करवा रहे हैं कि हम ज्यादा चार्ज ले रहे हैं लोगों से और गाली गलौज करके जाते हैं डेली, और मुझसे कहते हैं कि अगर आप हमें कमीशन नहीं दोगे तो आप अपना सेंटर नहीं चला पाओगे, हम तुम्हारी मशीना तोड़ देंगे, और चूतिया शब्द वर्ड मुझसे बोल के गए उस टाइम पे। और यहाँ तक कि वहाँ के अध्यक्ष तक को गाली दी। मैंने उनसे कहा कि मैं आपकी कार्रवाई करूंगी, तो उन्होंने बोला कि आप कुछ भी कर लो, कहीं तक भी कुछ भी करवा लो आप, लेकिन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगी। उनके साथ उपाध्यक्ष भी मिले हुए हैं, ब्रजेंद्र सोलंकी, ब्रजेंद्र गुर्जर हैं, मानवेंद्र सोलंकी हैं। हमने उनसे कहा भी कि आपका इधर आने का कोई अधिकार नहीं बनता है, ना ही आप हमसे कुछ कह सकते हैं, पर वो उन्होंने बोला कि हम अपना रुतबा जमाना चाह रहे हैं, यहाँ पे गाली गलौज करेंगे, कुछ भी करेंगे, तुम्हें जो करना है कर लो। कितना समय हो गया इस चीज को? कम से कम 4-5 दिन हो गए हैं, रोज आ रहे हैं, अपने लोगों को भेज रहे हैं, उनसे कह रहे हैं कि इसकी शिकायत आपने संबंधित थाने में की क्या? संबंधित थाने में हमने उनको समझाने की कोशिश की सबसे पहले, कि हमने उनसे कहा भी कि आप ऐसा रोज रोज मत करो, हमें भी अच्छा नहीं लग रहा है, हम डेली डेली मतलब मानसिक रूप से परेशान हो रहे हैं और आप डेली ऐसा कर रहे हो हमारे साथ, लेकिन वो समझने को तैयार ही नहीं है, इसलिए हमने उधर कुछ नहीं किया, हम सीधा यहीं आए हैं। यहाँ आपको क्या आश्वासन मिला? हमें उन्होंने ये लेटर दिया है, उन्होंने बोला है कि वो आगे कार्रवाई करेंगे, अपने लोगों से शिकायतें करवा रहे हैं हमारी झूठी कि हम ओवर चार्ज ले रहे हैं, पहले ही करवा चुके हैं वो तो ये सब कुछ, लेकिन हमें उम्मीद है कि यहाँ से हमें कुछ न्याय मिले। जब इस मामले में पार्षद पक्ष से बात की गई तो पार्षद पति मानवेंद्र सिंह सोलंकी द्वारा अपना पक्ष रखा गया। क्या नाम है आपका? मानवेंद्र सिंह सोलंकी। मैं नरवर से रहने वाला हूँ। पार्षद हैं आप? मेरी पत्नी पार्षद है, वार्ड नंबर 10 नरवर से। एक मामला सामने आया था जिसमें पार्षद पतियों पर एक लड़की जो आधार कार्ड संचालिका है जिसने आरोप लगाए हैं अभद्र व्यवहार, धमकी वगैरह, क्या कुछ ये पूरा मामला? असल में बात यह है कि 23 तारीख को जो है जनता के द्वारा हमें शिकायत मिली, तो हम लोग वहाँ गए, नगर परिषद गए, जाके एक दो लोग पार्षद और थे वहाँ साथ में, वहाँ जाके जब इन लोगों से पूछा कि आप जो जनता को ये परेशान कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं आप लोग, तो इन लोगों ने हमारे साथ भी अभद्र व्यवहार किया और हम लोगों को अपने रूम से बाहर कर दिया। हमने CMO से शिकायत की, लेकिन उनका अभद्र व्यवहार चालू रहा और उसकी शिकायत हम लोगों ने एक्चुअली तहसीलदार साहब, SDM साहब, कलेक्टर साहब, सबको उसका उसके बारे में पूरे मामले के बारे में अवगत कराया है। पूरा सब बताने के बाद कल जब उसकी जांच हुई है तो जांच में वो लोग दोषी पाए गए हैं उसके अंदर। ऐसा क्या था जो यहाँ पे आके फिर आप लोगों की शिकायत की, ऐसा क्या कुछ? कल जब तहसीलदार साहब जांच करने के लिए जब पहुंचे वहाँ, तो वहाँ जैसे जनता बहुत सारी थी, जनता ने सबको अपना पूरा पक्ष रखा, जनता ने बताया वहाँ की ये लोग वसूली कर रहे हैं, लोगों ने अपने कथन दिए, पंचनामा बनवाया लोगों ने वहाँ, जिन जिन जो पीड़ित लोग थे जो सब लोगों ने बताया पूरी सच्चाई जब बताई, तो तहसीलदार साहब को पूरा समझ में पूरा मामला आया, तो उन्होंने इनके खिलाफ जो है कार्रवाई जो करने का उन्होंने आदेशित कर दिया है। इसलिए ये जो है इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए जो है मुद्दे से भटकाने के लिए और अनावश्यक नरगल जो है इस तरह के बयानबाजी करने के लिए यहाँ शिकायत करने के लिए लोग आ गए हैं। कुल मिला के आप लोगों को दोषी ठहराया? हाँ, लोकतंत्र है, कोई किसी के कोई भी आरोप लगा सकता है, स्वतंत्र है सब।